हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाली है, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट कॉल सेटिंग। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करने के बाद राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको पहला ऑप्शन नंबर मिल जाता है ब्लॉक नंबर, इस पर जाएंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है ब्लॉक अननोन नंबर, जिसे हम ऑन कर देते हैं। तो यहाँ से आपके जो अननोन नंबर होते हैं, प्राइवेट नंबर होते हैं, उन्हें आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। इसे आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। और आपको अपने कोई प्राइवेट नंबर जो ऑन करना है, पर्सनल नंबर ब्लॉक करना है, तो यहाँ आप अपना नंबर ऐड करके अपने इसे ब्लॉक कर सकते हैं और उसे डन कर दें, तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। इस प्रकार से इसे ब्लॉक कर सकते हैं नंबर। सेकंड आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्ड करनी है तो सिंपली आपको इस पर जाना है और यहाँ से आप अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे ऑन करेंगे, इसे ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल बैकग्राउंड। जब आपकी कोई कॉल आती है तो उसके बैकग्राउंड में आपको क्या म्यूजिक मिलता है या सिस्टम मिलता है देख सकते हैं यहाँ से। तो बैकग्राउंड पे जाएंगे, इसमें आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है ये वाला है, वीडियोज़ मिल जाती हैं, इसमें वीडियो मिल जाती है, कोई भी आपको लगा सकते हैं, जैसे ये वीडियो लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉल बैकग्राउंड। इसे हम सेट डिफॉल्ट कर देते हैं, बैकग्राउंड आपका ये सेट हो जाता है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है कॉल रिंगटोन एंड रिंग, इस पर जाएंगे। इस पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, हमने अपने फ़ोन में सारे ऑन कर रखे हैं। यहाँ से मैं आपको यूज़ बता देता हूँ इनका क्या क्या है, जो हमने ऑन कर रखे हैं अपने फ़ोन में। वाइब्रेट एंड आंसर, इससे क्या होता है, जब आपकी कोई कॉल आती है तो आप उससे आंसर करते हैं तो आपके फ़ोन में हल्का सा वाइब्रेशन होता है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी कॉल रिसीव हो चुकी है। सेकंड है वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड, जब आपकी कॉल एंड होती है तब भी आपके फ़ोन में एक वाइब्रेशन होता है, ताकि आपको पता लगे कि हमारी कॉल अब एंड हो चुकी है। थर्ड नंबर पर आपको ऑप्शन नंबर आता है प्ले टोन बॉल बी कॉल कनेक्टेड, जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आपको एक टोन मिलती है कि हाँ आपकी कॉल कनेक्ट हो चुकी है। फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्ले टोन बॉल बी कॉल एंड, जब आपकी कॉल एंड होती है तब भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाती है, तो आपको पता लगे कि हमारी कॉल अब एंड हो चुकी है। अलाओ अलार्म नोटिफिकेशन और साउंड इन कॉल्स, जब आपकी कॉल हो तब आपको अलार्म के साउंड को भी नोटिफिकेशन मिल जाए, यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई से भी ऑफ करना है तो सारे आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिंगटोन, आपको रिंगटोन चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने इसमें कॉल वाइब्रेशन। यहाँ से आपको प्ले टोन वगैरह चाहिए अपने साउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर जाता है आंसर एंड एंडिंग कॉल, इस पर जाएंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर जाता है, पहले आपको ऑप्शन नंबर जाता है रीड कॉल आंसर, इसे ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जिसका भी कॉल आती है तो आपका फ़ोन उसका नाम लेके बता देता है आंसर ऑटोमेटिकली। इससे क्या हो, 10 सेकंड बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाती है बिना किसी भी रिसीव करे। 10 सेकंड बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाए, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल, आपको वॉल्यूम वाला बटन भी आंसर कर प्रेस कर देंगे तो आपकी कॉल आंसर हो जाती है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाती है प्रेस साइड की, आपका पावर बटन है उसे एंड करने से आपकी कॉल एंड हो जाती है अगर आप इसे ऑन करेंगे तो, अगर इसे ऑफ कर देंगे तो नहीं होगी। यहाँ से हम इसे फिलहाल ऑफ ही कर देते हैं अपने सारे के लिए। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाती है क्विक डिक्लाइन मैसेज, जब आप कहीं बाइक पे हो, कार में हो, किसी का फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको एक मैसेज मिल जाता है डिक्लाइन मैसेज में, आप कोई भी अपने हिसाब से आप सेंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। इसके बाद नीचे आपको और ऑप्शन देखो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग ऐप, इस पर जाएंगे। जब आपकी कॉल आती है तो आप कैसे दे सकते हैं, अभी हमारा स्मॉल पॉपअप है, मिनी पॉपअप है, जो करा सकते हैं, या आप फुल स्क्रीन पर भी शो करा सकते हैं, जैसे आपकी कॉल आती है यहाँ से आप शो कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको वॉइस मेल मिल जाता है, सप्लीमेंट्री सर्विस में जाके आप अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदर कॉल सेटिंग मिल जाती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर, ये थी हमारे फ़ोन की कॉल सेटिंग की वीडियो, अपने फ़ोन के अंदर ये वाली कॉल सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।